तो गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम सुंदर राजन है। आई जस्ट ब्रीफली पुट माय वीडियो ऑन, मे बी सम ऑफ यू हैव नॉट मेट मी। यहाँ पर मोस्टली फेमिलियर फेसेस दिख रहे हैं, बट कई लोगों को मैं मिला भी नहीं हूँ। तो आई जस्ट ब्रीफली पुट माय वीडियो ऑन टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सुंदर राजन एंड आई वर्क विद इनरेम फाउंडेशन इन आनंद इन गुजरात। एंड ये जो पॉलिसी डायलॉग है, ये जो डिस्कशन है, इट इज पार्ट ऑफ अ सीरीज दैट वी प्लान टू कंडक्ट ओवर द नेक्स्ट मंथ एंड टू। अगले 2 महीने तक हम इस डिस्कशन सीरीज को कंडक्ट करने वाले हैं, और हमारा थिंकिंग है कि इसको शॉर्ट डिस्कशंस रखें हर एक 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 सब्जेक्ट पे। इसलिए आज भी हमने एक घंटे का डिस्कशन रखा है, सो दैट नो वी आर ऑल बिजी इन डिफरेंट थिंग्स। आई जस्ट पुट माई वीडियो ऑफ नाउ। वी आर ऑल बिजी इन डिफरेंट थिंग्स एंड इसके लिए वी हैव फोकस्ड डिस्कशंस ऑन डिफरेंट इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में ब्रीफली आपको शेयर करूंगा एंड देन द प्लान फॉर नेक्स्ट 1 आवर। यस, तो मेरी रिक्वेस्ट है टू पर्सन हु इज मॉडरेटिंग हियर, वाहिद और हर्ष, कि आप म्यूट कर सकते हैं, कि कहीं से आवाज आ रहा है तो प्लीज आप उसको म्यूट कर दीजिए। तो थैंक यू। तो आई थिंक यहाँ पर हम लोग ये चीज करेंगे कि एक क्विक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन करेंगे सो दैट पीपल नो हु इज देयर इन दिस कॉल एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। तो मैं मेरे तरफ से, जैसे मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम सुंदर राजन है और इंटरम फाउंडेशन हूँ। तो इस तरीके से सिर्फ आपका नाम और आपका एक ऑर्गेनाइजेशन आप इंट्रोड्यूस करेंगे और कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये काफी रहेगा। सो मुझे जो यहाँ पर लिस्ट दिख रहा है, सो आई वुड लाइक टू कॉल अनंता श्रीधर। अनंता श्रीधर, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। Hi, hi all. My name is Sridhar. I'm working at TISS Mumbai. अभी मुंबई से कनेक्ट कर रहा हूँ. थैंक यू. ओके, थैंक यू श्रीधर। यस, नेक्स्ट अनिल सिंदूर जी। आई थिंक अनिल सिंदूर जी का वॉइस ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, सो आई विल मूव फर्दर। भारती भारती भवसार, क्या आप खुद को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं? यस, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं, सॉरी, आई थिंक वी आर नॉट एबल टू हियर यू। सो फाइन, वी विल मूव फॉरवर्ड। पुनीत जी, यस, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सभी को नमस्ते. मेरा नाम पुनीत श्रीवास्तव है. मैं वाटर एड नाम की संस्था में कार्य करता हूँ और मैं इस समय लखनऊ से कनेक्ट कर रहा हूँ मीटिंग के लिए. थैंक यू वेरी मच पुनीत जी, और थैंक यू आपका समय यहाँ पर देने के लिए। और मैं आगे मूव करता हूँ। मैं मेरे मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी इंटरम फाउंडेशन, मैं उस संस्था के लोगों का नाम नहीं बुला रहा हूँ क्योंकि हमारे जगह से अराउंड ऑर्गेनाइजेशन से 5-6 लोग ज्वाइन किए हैं। नेक्स्ट इन लाइन आई कैन सी उदय। उदय, आई कैन सी द नेम। आप खुद को अनम्यूट करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू। मॉर्निंग, मेरा नाम उदय शंकर है और मैं वाटर एड दिल्ली से ज्वाइन कर रहा हूँ. धन्यवाद। नमस्ते उदय जी, गुड आफ्टरनून आपको इधर देखकर। थैंक यू। एंड चंद्रिका जायसवाल, चंद्रिका जायसवाल, प्लीज आप खुद को म्यूट कर सकते हैं। चंद्रिका जायसवाल जी, आपको अगर सुनाई दे रहा है तो अनम्यूट कर सकते हैं और आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइन, इफ नॉट वी मूव फॉरवर्ड। अनिल गौतम, अनिल जी, अनिल गौतम, अनिल जी फ्रॉम PSI। अनिल जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है। आई मूव फॉरवर्ड। वी आर रामन, रामन, इफ यू आर एबल टू हियर मी। Yeah, I'm Raman. Thanks, Sundar, for inviting me here. I'm Raman. I work with WaterAid and I work on various water policy issues. Yeah. Okay, nice to see you here, Raman. And then next here is, I can see the name Ram. Ram, can you please unmute and introduce yourself? Yes. Good afternoon, everybody, and thanks, Sundar and Vikash, for inviting me. I am Ram.
Union delegation to India. We are glad to support this initiative together within. Thank you. Thank you. Thank you, Ram, for taking your time and coming here. Thank you very much. And also thanks for the European Union to be part of this policy dialogue. Also next yahan par hai Chandrasekhar Mishra, CMF. Chandrasekhar Mishra ji, aap agar khud ko unmute kar sakte hain. Yes. Yes. Good afternoon. I am Chandrasekhar. Working in CMF Center for Microfinance, Sirohi District, Rajasthan. Working in VAS program. Very good. Thank you, Chandrasekhar ji. Aur acha hai, acha lag raha hai aapko yahan par dekh ke. Suchita Jain. Suchita ji, can you, if you can unmute and introduce yourself, Suchita ji. Yes, my name is Suchita Jain. मैं साकी वाटर्स के लिए काम करती हूँ और अभी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ. Thank you so much. Thank you, Suchita, for being here. Thank you. Next, I can see. Yes, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ प्रवीण कुमार. प्रवीण कुमार जी, अगर आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं. Yes. Yes. Good afternoon, all. My name is Praveen Kumar Singh from Saki Water Organization, Buxar. से भी बात कर रहा हूँ. प्रवीण जी नमस्ते, अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखकर. अगला जो यहाँ पर है अमूल्य. अमूल्य अमूल्य जी, अगर आप. यस यस. हेलो, मेरा नाम अमूल्य है और मैं वाटर एड में काम करती हूँ. आज मैं दिल्ली से ज्वाइन कर रही हूँ. वेलकम अमूल्य एंड नाइस टू सी यू हियर. थैंक यू. एंड नेक्स्ट वी हैव आनंद हियर. आनंद, इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Yes, Anand. Hi. Hello, Sundar sir. I'm Dr. Anand. Care is presented by Anand. So I'm Gautam Anand from Saki Water District. Okay. Nice to see you here, Anand. Welcome here. And last we'll go to Anurag here. Anurag. Anurag, agar aap khud ko, yeah, please. Yes, Anurag. Good afternoon. अनुराग, सॉरी आपका म्यूट हो गया है. अनुराग जी आपका म्यूट हो गया है, कोई बात नहीं. ठीक है. अनिल जी, अनिल गौतम जी, अगर आप खुद को अगर सुनाई दे रहे हैं तो आप खुद को अनम्यूट करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. अनिल गौतम जी, इफ यस. नमस्ते. जुड़ा हुआ हूँ. थैंक यू वेरी मच अनिल जी. थैंक यू, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखते हुए. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और वेरी क्विकली ना मैं आपको एक जैसे मैंने यहाँ पर कहा है कि पहले फर्स्ट 10 मिनट्स हमने एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए रखा है. तो यहाँ पर कोई कंफर्म कर सकते हैं प्लीज कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या ठीक तरीके से, तो देन हम लोग आगे बढ़ेंगे. अच्छी तरह से. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. ओके ओके. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक सीरीज ऑफ डिस्कशंस हैं और ये जो आज का डिस्कशन है वो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड वाटर, इसके संदर्भ में है. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो भारत में जो हर चीज़ का जो स्टैंडर्ड्स दिया जाता है वो एक BIS की तरफ से दिया जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. और हम ज़्यादातर जो BIS का नाम, जिन्होंने यहाँ पर जो लोग हम सब मौजूद हैं, शायद हम में से बहुत ज़्यादा लोगों ने BIS का नाम सुना होगा वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स में. जैसे कि अगर कोई वाटर क्वालिटी कंटामिनेंट है, वो आर्सेनिक हो कि फ्लोराइड हो कि यूरेनियम हो, तो उसकी स्टैंडर्ड क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है, उसको टेस्ट कैसे किया जाता है, ये सब BIS के द्वारा बताया जाता है. अब BIS की एक कमिटी बैठी है जो BIS के वाटर के रिलेशन जो भी उनके स्टैंडर्ड्स एंड रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं उसको रिव्यू होने के लिए. मैं उस कमिटी का मेंबर हूँ और कल उसका मीटिंग है कल सुबह. तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें इस मीटिंग में जो रिप्रेजेंटेशन जो होना है उसको थोड़ा ब्रॉड बेस होना चाहिए. उसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से, NGOs की तरफ से एक काफ़ी वाइडर रिप्रेजेंटेशन होना है, इसलिए हमने ये कॉल आज को आज का बुलाया है. और जैसे कि कल मीटिंग है तो उसके बाद भी इसमें काफ़ी डिस्कशंस होंगे, तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी इस कल के डिस्कशन से आता है वो मैं फिर से दोबारा आप लोग सब तक पहुँचाऊँगा, ताकि ये डायलॉग रहे
कि एक वन वे ना रहे कि आज हम लोग जो बात करेंगे वो खो ना जाए। तो इस बैकग्राउंड से एक वाइडर चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BIS जो आगे अभी बढ़ रहा है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, सिर्फ वाटर क्वालिटी नहीं, दैट इज नॉट जस्ट ऑन वाटर क्वालिटी टेस्टिंग और ऑन वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, बट देन ऑन वाटर मैनेजमेंट एज अ होल, यानी कि पूरे वाटर मैनेजमेंट के ऊपर BIS एक हैंडबुक निकालना चाहता है ऑन स्टैंडर्ड्स। तो ये स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है आज की जो कॉल है, वो स्पेसिफिकली वाटर स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वाटर क्वालिटी पे। मगर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो जो वाइडर जो डिस्कशन है कल का, वो है कि एक पूरा हैंडबुक, स्टैंडर्ड्स हैंडबुक BIS निकाल रहा है ऑन वाटर एज अ होल, वाटर मैनेजमेंट एज अ होल, जिसमें चैप्टर्स एंड सेक्शंस हैं ऑन इरिगेशन, ऑन वाटरशेड्स, ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड सभी जो इश्यूज जिसमें हम लोग काम करते हैं वो सभी के ऊपर। तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें काफी सारा वाइड इनपुट्स लेना जरूरी है, और ये सिर्फ ये वाटर क्वालिटी नहीं, बाकी भी ये सभी इश्यूज के ऊपर हमको स्टैंडर्ड्स में हमारा इनपुट देना चाहिए, ताकि ये जो हैंडबुक जो BIS के तरफ से निकले, इस हैंडबुक के अंदर काफी एक वाइड इनपुट्स हो और वो सब इनकॉर्पोरेट हो। क्योंकि एक बार BIS कोई स्टैंडर्ड्स निकालता है तो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी होती है पूरे देश भर टू सम एक्सटेंट, इसलिए ना ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी बहुत स्पेसिफिकली आई थिंक यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको BIS स्टैंडर्ड्स के बारे में पता है, हम लोग ने थोड़ी कोशिश भी की है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए BIS स्टैंडर्ड्स को, मगर मैं एक यहाँ पर क्योंकि एक सभी लोग मौजूद हैं, बिफोर पीपल स्टार्ट गिविंग इनपुट्स, ये जो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के समय में ही आई विल वेरी क्विकली ट्राई टू ऑल्सो गो थ्रू द BIS स्टैंडर्ड्स, ताकि जिनको अगर ये BIS स्टैंडर्ड्स की जो BIS स्टैंडर्ड्स की जो बैकग्राउंड है अगर इनको पता नहीं है, तो यहाँ पर वेरी क्विकली यू कैन जस्ट वी आई जस्ट गो थ्रू इट। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन, कोई कंफर्म कर सकते हैं? ये स्क्रीन में एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ओके थैंक यू। यहाँ पर जो लिखा है पीने के पानी के ऊपर है, ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर है। तो वेरी क्विकली आई विल गो थ्रू इट, आई विल नॉट टेक टाइम बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ इट। तो वेरी क्विकली यू नो दिस थिंग इज अबाउट द ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स हियर। हम में से यहाँ पर कई लोग हैं जिसको जैसे कि अनिल जी हैं PSI से, पीपल साइंस इंस्टीट्यूट से, उन्होंने काफ़ी मेहनत भी किया है इसके ऊपर, काफ़ी चीज़ें बताने के लिए, रिविजन्स बताने के लिए, और इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया है इसके ऊपर बेस लेवल पे कि क्या स्टैंडर्ड्स होना है। तो इसमें बेसिकली कई सेक्शंस होते हैं, जिसमें एक फर्स्ट सेक्शन है फिजिकल पैरामीटर्स में ज़्यादातर, और बाद में सेकेंड सेक्शन है जनरल पैरामीटर। जनरल पैरामीटर्स ऐसे हैं जो काफ़ी हमारे काम आता है, जैसे कि कैल्शियम, फ्लोराइड, आयन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, नाइट्रेट, ये सब ये सेकेंड वाले जो जनरल पैरामीटर्स में आता है, जिंक में आता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक दो कॉलम्स है, रिक्वायरमेंट और परमिसिबल, एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट, ये दो कॉलम्स होते हैं इस BIS स्टैंडर्ड्स के अंदर। उसके बाद एक जो सेक्शन आते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेज, यानी कि इसके अंदर आप देखेंगे तो आर्सेनिक है, क्रोमियम है, कैडमियम है, साइनाइड, लेड, मर्क्यूरी है, तो ये सबका एक्सेप्टेबल लिमिट एंड परमिसेबल लिमिट किसी में है। मोस्टली इसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, ये दो लिमिट्स नहीं है, जबकि इसके पहले के सेक्शन में रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, तो उसका टेबल नंबर 4 है, ये सेक्शन 4 उसमें है। बाद में पेस्टिसाइड्स के हैं, कई पेस्टिसाइड्स यहाँ पे दिए गए, और बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी के ये टेबल नंबर 6 लास्ट वाले हैं। तो इसके बाद इसमें किस तरीके से सैम्पलिंग किया जाए, किस तरीके से इसको मेजर किया जाए, इसके ऊपर पूरा ये BIS स्टैंडर्ड्स है। हमने थोड़ा बहुत कोशिश किया है कि इसको ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा इसको पढ़ सकें। अगर लोगों को ज़रूरत है तो हम इस ये लिंक जो यहाँ पर मौजूद है उस लिंक को शेयर भी कर सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया गया है। मगर बेसिक पॉइंट ये है कि इस BIS स्टैंडर्ड्स के अंदर बेसिकली कई सारे लिमिट्स दिए गए हैं, देयर आर मेनी लिमिट्स गिवन ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स एंड स्पेसिफिक रेंजेस ऑफ लिमिट्स गिवन, यानी कि जैसे कि आर्सेनिक है, साइनाइड है, उसमें रेंजेस नहीं है आज के दिन के स्टैंडर्ड्स में, जबकि फ्लोराइड है और नाइट्रेट है उसमें रेंजेस दिया गया है, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इनपुट्स अभी वाइडर, काफी सारे वाइड चीजों में लिया जा रहा है, यानी कि व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी टू बी यूज्ड, यानी कि इसमें किस तरीके का जो किस तरीके का जो एक
लिमिट्स होना चाहिए और उसके पीछे के बैकग्राउंड के फैक्टर्स क्या हैं, ग्राउंड की क्या स्थिति है, है ना, जिसमें हमको दिख रहा है कि क्या कम कम कॉन्सेंट्रेशन में ही क्या लोगों को परिणाम हो रहे हैं इसके, तो ये हम लोग हमको हमारे तरफ की ये जिम्मेदारी है, हम ये इनपुट्स दें BIS को ताकि ये BIS इसको इनकॉर्पोरेट कर सकता है नेक्स्ट रिव्यू में, है ना। यहाँ पर कई साइंटिस्ट भी हैं, कई लैब्स भी हैं जो आज आए हैं, तो वो भी अपना इनपुट्स दे सकते हैं। तो इस बेसिक कॉन्टेक्स्ट मैंने जो यहाँ पर दिया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यू नो सेशन में जाते हैं, अगले 20 मिनट्स के सेशन में जाते हैं करीब 1 बजे तक की 1:05-1:10 तक, इन विच वील टेक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज, है ना। यहाँ पर तो हम ये कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आप में से सभी को मौका मिले इसके ऊपर अपनी जो राय है, अपनी जो ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। वील पुट इट टुगेदर इनटू अ डॉक्यूमेंट एंड सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इसमें हैंड्स रेज करके कर सकते हैं तो ये अच्छा हो सकता है ना। तो आप में से कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, इसके अंदर, एंड यू कैन ideally it will be good if you hands raise or just go ahead and talk, you know, you can just go ahead and speak, and if there is there are not too many people here, it's okay, you know, so we can just start giving our responses, and my request to Kiran over here, Kiran Sain, so if you can just keep recording those responses, we'll go straight for 20 minutes and we'll just start summarizing after that till 1:30. So okay. Yes, anybody can get started. Yes, please go ahead. Yes, I see Raman has raised his hand. Raman, yes, yes, Raman, please. Yes, please. Okay, thanks, Sundar and others. So, you know, I have been looking at the, you know, there are some points that I have noted down. I can share those with you also, and my colleagues from various, you know, water aid offices also have given some thoughts. So I've compiled all of them. And see, one is that, see, the RO companies are kind of misusing the standards for TDS. So that is one major concern. So how can we set up a minimum, you know, what you call desirable limit for the TDS? Because currently the companies are using 80 to 100 as the kind of range, wherein, you know, the BIS standard suggests 500 as the what you call acceptable and 1200 as the permissible in absence of any other source, that kind of a thing, wherein the RO companies are suggesting 80 to 100 as a desirable limit in order to sell the RO product, despite green tribunals and you know other kind of orders are there to stop them. So this is one point that I would suggest, you know, if we can suggest something for a minimum what you call desirable limit, what is that for TDS, so that, you know, that is used as a benchmark. The second thing is, you know, FTKs are widely used for looking at bacteriological contamination, you know, across the country, and also some chemical issues. So how can we think about a standard for the field testing kits is a major issue, I think, tomorrow's meeting, if that can be considered. Because, you know, in absence of such standards, whatever we find using a field testing kit, whether it is, you know, sensor-based, whether it is chemical-based, you know, none of them are becoming eligible for triangulating the government data. So how can we think about a standard for the FTK? Is another suggestion. And then the revised standards, how are they talking to the NABL standards is also something that is to be looked at, National Accreditation Board for Laboratories. And in addition to that, I have also a thinking, because, you know, broadly at the district level and across the country, we have deficiency of water quality testing labs with NABL accreditation. So can we think about a suggestion that the pathological laboratory that is working, you know, for blood and, you know, related sample testing, can we think about a value addition, skill addition to those, you know, laboratory technicians for also looking at water quality, which may, you know, extend the availability of laboratories across the country. So if there is possibility of looking at pathological labs to have capacities to look at water quality, and also the NABL and the BIS, you know, kind of suggest that, you know, the kind of pathological labs standard for conducting water quality testing, that would be quite useful.
And then panchayats, specifically, you know, the monitoring standards for panchayats, especially in the Jal Jeevan Mission's context, panchayats are going to become water supply agencies. So what is the kind of standards for them in order to become a, you know, a mini utility or a local utility? So what are the things that we are thinking for them? And then detergents and nanoparticles are becoming a major issue as a kind of contaminant. So how are we going to detect it is something that the standards should think about. And similarly, antimicrobial residues in water is a issue. That is something currently our testing standards probably does not cover the antimicrobial residues as such. So how can we test that? That is another issue. And the other thing is, you know, the appropriate authority, when the standards are saying appropriate authority, it may be useful to define that, because, you know, in the country without that kind of a definition, it is not very easy for the fixing the accountability. So if we can really suggest what do you mean by appropriate authorities here, at least, you know, the Jal Shakti, the standards can, you know, entrust this job or mandate this job with the concerned ministry that, you know, they should do this. And the periodicity of testing and the mechanism for putting the level of contamination in public access, there should be a standard for that also, so that, you know, the transparency about, you know, the water quality is maintained. And then there is widely borehole recharging and the well recharging, that well recharging is happening. So what is the kind of minimum standards that we need to suggest for that kind of a recharging, so that the recharging is not leading to contamination, is an issue. And similarly, shallow hand pumps in many places are causing, you know, some metallic contamination to the water. So what is the standard for these hand pumps also are quite important. We have IndiaMark and related pumps, but, you know, there are many cheaper variants of these hand pumps are available in the market, which is causing water quality issues, I understand. So these are the key things I thought, you know, are important to, you know, discuss about. Also, one other thing is protocol in place to declare drinking water source as non-drinking water source, because currently there's some marking and all happening. So there should be a protocol in place for that in case certain parameters are not falling under the prescribed standard and the water is no more, you know, potable. So that is another kind of thing. So these are the kind of 12 points. I am putting it in the chat box, or I can send it to you also, Sundar. Thank you. Thank you. Thank you very much, Raman. And thank you very much to all your colleagues, WaterAid also, to put forward all these points. And as I mentioned at the outset, that the current standards that we have is quite limited to just, you know, measurement of testing parameters, that is water quality parameters. And as I mentioned, you know, many of the points that you put forward is also concerned with a wider management context, you know, of water, drinking water and water quality. And that's why also this widening of BIS's ambit, which is now currently going on with this handbook of water management, I think many of the things that you put forward right now would also come in into that wider water quality chapter. I think it is chapter 3 or chapter 4. I can also share the framework of these chapters with all of you, so that you can even look at the other chapters. And enforceability was till now not even a point within the BIS standards, but now it will come in, because they are looking at the management of that particular issue as a whole. So thanks a lot, Raman, and we'll, you know, please send it to us maybe today by 5 p.m. or so. If we get it, it will be fine, and we can then collate it and put it forward. Thanks a lot. Thank you. Hello. Yeah. Yes. Uday. And I just want to, because Raman has already given a background and detailed points here. So I would like to add a few more, certain more ideas of the challenges of what we face in water quality measurement. Ek to hai ki we have a very extensive program, and most of the programs are limited to the rural areas. So we depend upon what field test kits for measuring a water test, a water quality test. Hello. Yeah, can you hear me? Hello. Yes, we are able to hear you. There is a little bit disturbance, but we are able to hear you. So I've got very specific two suggestions, sir, in order to add what Raman said.
One is like even if we go by NABL accredited labs, there's a challenge that we don't find two labs report are similar. Like there's a problem with two labs, even though both are NABL accredited, they are giving a different reports. So one issue is like how to manage in that in such situation. If BIS can suggest some points specific or take care of these issues, like how to manage. Hello. Yes, please continue कीजिए. Please continue. एक तो है कि BIS के अगर इसमें intervene कर सकता है कि NABL के accredited labs के reports में भी अगर difference है, तो how to manage that? That's one question. Second suggestion is that now FTKs are okay. We are depending upon FTKs, but now sensor based kits are also coming into the market. And in fact, we are depending, or many of our organizations are depending upon a TDS meter, which is a very handy pen kind of pen type of a TDS meter instrument. So similarly, many other companies which are innovating and coming with a sensor-based kits for arsenic measurement and also some relevant parameters. Though there are not many, but so if they can give a very precise reading, so how BIS should think about how to take it forward? Because if the challenge is like if we get a report like that, NABL report or like a lab report says BDL means below detection level, so it doesn't mean anything to us. Like if you are ensuring a quality, and we should know like to what extent is a below detection level. So that's a big challenge. Secondly, if the readings are available, as I say. In a point up to decimal point 3, then it will be more precise reading. So what I'm trying to highlight, sensor based kits can give possibly if they guess they give us a more precise readings, I think there should be one area which should be looked at after and should be promoted. Yes, sir. Yes, very much. Only to water quality testing. Thank you. Which I'll take it if required. But बिल्कुल बिल्कुल आपने जो कहा है बहुत सही है कि सिर्फ गवर्नेंस सिर्फ लैब्स का नहीं है. अभी स्कोप बढ़ता जा रहा है कि इस तरीके के सेंसर्स, नॉट जस्ट सेंसर्स बट ऑल्सो डेटा बेस्ड रिपोर्टिंग, यानी कि डेटा एग्जिस्टिंग डेटा को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के ऊपर भी से ही अभी रिपोर्ट्स बनने शुरू हो रहे हैं. तो हमको आज के दिन पे जब सोच रहे हैं तो गवर्नेंस ये सभी चीजों के ऊपर होना है, सो दैट यू नो लोग ज्यादातर लोग इसके ऊपर डिपेंड होते जाएंगे, नॉट जस्ट लैब रिपोर्ट्स बट देन बेस्ड ऑन सेंसर्स एंड देन एक्सट्रापोलेटेड फ्रॉम मशीन लर्निंग AI एंड सो ऑन. So you know, BIS definitely. You know, thanks for pointing it out. Yeah, only point is lab. If you're because पहली भी बात ये है कि अगर lab report अगर credible तभी हम मानेंगे कि जब दो lab का report same आए. बिल्कुल, बिल्कुल, consistency. Consistency. होना चाहिए. और उसमें अगर issue आता है then ये हमारे लिए एक manage करना difficult हो जाता है कि कहाँ हम लोग किस standard को follow करें. तो क्या हम और मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न टूल्स की तरफ जाएं जो कि सेंसर बेस्ड है एट दिस मोमेंट, मुझे लग रहा है. ओके, गॉट इट, गॉट इट. थैंक यू, थैंक यू. नेक्स्ट, यस, कोई अपने इनपुट्स रखने चाहते हैं? अभी और हमारे पास 10 मिनट है, कोई नो देयर इज टाइम नो टू गिव योर इनपुट्स प्लीज. यस, सो मैं सुंदर, कैन आई स्पीक?
सुचिता, I'm सुचिता. Yes, so, अभी जो सर ने बात किया कि सेंसर बेस्ड टेक्निक्स की तरफ हम जा सकते हैं, एक्चुअली हम आर्सेनिक में अभी हमने दोनों तरह के किट्स यूज किए थे, सेंसर बेस्ड भी यूज किए थे और दूसरे तरह के भी. तो हमारा जो रिजल्ट्स हैं वो लेबोरेटरी के जो रिजल्ट्स से अगर हम मैच करके देखते हैं तो सेंसर बेस्ड किट से हमें काफी तरह के प्रॉब्लम्स हम फील कर रहे हैं इन केस ऑफ डिटेक्शन ऑफ आर्सेनिक. तो मतलब अभी हम टोटली कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, हम ओल्ड जो किट्स हैं वो यूज करें या ये सारे तरह के इश्यूज आ रहे हैं. कुछ कुछ तो एक सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास जो जो कि हम सामने रख के कि ये लेबोरेटरी से भी मैच करेगा अगर हम फील्ड में ले जाएं यूज करें इस तरह के किट को. तो ये हमें 100% एक्यूरेट, नॉट 100% बट मोस्टली एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा. Yes, Suchita ji, I think the, exactly your point. Yeah. जो point उदय जी ने भी सामने रखा है, ये बहुत ही important point है जो आप भी कह रहे हैं. और वो आज के दिन में हमको सिर्फ वो sensor सामने दिख रहा है, है ना, कि physical sensor दिख रहा है. कल के दिन हमको वो sensor दिखेगा भी नहीं. कल के दिन हमको वो sensor दिखेगा भी नहीं, है ना. कल के दिन हमको AI machine learning हमको वैसे भी data देगा, है ना, कोई भी जगह का. तो आपके तो द ब्रॉडर थिंग इज दैट गवर्नेंस ये जो है BIS की तरफ से ये सारी चीजों के ऊपर होने हैं, है ना. तो आज के दिन पे गवर्नेंस इज जस्ट लुकिंग एट द लैब्स एंड व्हिच इटसेल्फ इज इनकम्प्लीट, राइट, एज रामन राइटली पॉइंटेड आउट NABL एक्रेडिटेशन एंड एवरीथिंग. बट देन कल के दिन पे कोई गवर्नमेंट डेटा को लेकर एक्सट्रापोलेट करके आपको डेटा प्रोवाइड करेगा हर लोकेशन का. सो देन पीपल आर गोइंग टू कंज्यूम इट, राइट. And also, your point is taken. So we need a broader policy on that. And yes, you know, let us note it down. Okay. Thank you so much. Sure. Thank you. Yes, Anil ji. कोई I think बात करना शुरू किए थे, please. कि भारती बहन आप बात कर रहे हैं? Yes, Anil ji, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है. Anil ji, Anil Gautam ji. हाँ, आपका आवाज कट के आ रहा है. आवाज कट किया है. आप क्या मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में तो ठीक रहेगा. आप कंटिन्यू कीजिए तो हम बताते हैं कि आपका आवाज कैसे आ रहा है. ठीक है, लेट्स वन. आई थिंक पुनीत जी का. पुनीत जी प्लीज गो अहेड, योर हैंड्स आर रेज्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, प्लीज गो अहेड. थैंक यू सुंदर जी. मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ ये जो कमेटी है इसका terms of reference again this this standard is due for revision as such. Yes. अंतिम बार इसका 2012 में पुनरीक्षण हुआ था और अब इसका दोबारा revision due है और इसके लिए committee जैसा आपने बताया. Yes. And also ये जो उन्होंने इस बार इसको और widen किया है into water management as a whole, जैसा मैंने share किया कि जो मैं आई थिंक वंस आई फाइंड आउट फ्रॉम टुमारो आई विल रिपोर्ट इट बैक टू द ग्रुप. सो बेसिकली द आइडिया इज टू लुक एट स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर एज अ होल, आई मीन इवन प्रैक्टिसेस, यू नो, ऑन वाटर. सो दैट्स द अभी जो वाटर क्वालिटी को लेकर जो रेगुलेशन है या जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत बिखरे हुए हैं. अगर आप इंडियन इकोसिस्टम में बात करें, एक ये ड्रिंकिंग वाटर का है, मुझे नहीं पता कि ये फूड एंड बिवरेजेस कैटेगरी को भी कवर करता है या नहीं करता है, क्योंकि बॉटल्ड वाटर और ये सारा आपका उसमें आता है. लेकिन अगर हम सिर्फ इसी की बात करें, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, और हम ओवरऑल इसमें मूवमेंट की बात करें, तो एक इंटरनेशनल अगर हम लेवल पर देखते हैं तो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं, और इसके अलावा आपके यूरोपियन यूनियन के अलग स्टैंडर्ड्स हैं, US के स्टैंडर्ड हैं. ये सारे लोगों ने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ड्रिंकिंग वाटर सेक्टर में नॉर्मली रूरल में अगर आप देखिए तो यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग वाटर मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल है जो कि हाउस्ड है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में, बट इट कवर्स then you have a irrigation water and all that stuff goes in a different set within the water resources kind of thing. So, agar hum keval drinking water ki baat kare to standards mein mujhe ye lagta hai ki hum log abhi tak ye jo standard hai hum logon ka jisko hum log achieve karne ki koshish kar rahe hain program mein wo bahut western driven hai ya unke jo climate se related jo cheeze hain
उसको लेकर है और हम उसको लेकर एज ए बेंचमार्क मान के आगे बढ़ते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स को उसी डायरेक्शन में आगे ले जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये इशू वाटर का नहीं है, ये हेल्थ का इशू है फाइनली। तो ये जो जो आपका ऐसे देशों में जो जैसे अफ्रीका के देश हैं या हमारे साउथ एशिया के देश हैं, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और जो लोगों का रहन सहन है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो बेंचमार्क्स हैं वो सेट होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट होने चाहिए। तो प्रोबेबली ये एक पूरा जो इशू है कि आप जिस लेवल पे आप अचीव करना चाहते हैं और उसमें जो कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं डिफरेंट लेवल्स पर, वो उसका एक थ्रू एनालिसिस होना चाहिए। इसलिए मेरा ये कहना है कि पिछली बार भी जो रिविजन्स हुए थे, हम लोगों को ये नहीं पता था कमेटी की तरफ से कि उसका आधार क्या है, क्यों वो निर्णय लिए गए। और इस बार चूंकि आप वहां पर हैं तो मैं चाहूंगा कि जो भी आप इसमें रिविजन्स के लिए आपकी कमेटी इसमें आगे बढ़ती है या रिविजन प्रपोज करती है या करती है, कम से कम जो ड्रिंकिंग वाटर सेक्टर में उसके बारे में उसके जो कारण हैं जिसकी वजह से कमेटी ने इसको रिकमेंड किया है वो हम लोगों को जानने का मौका मिलेगा। और जहां तक गवर्नेंस के इश्यूज की बात है और अगर एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स की बात है थ्रू आउट द कंट्री, तो वहां पर मुझे लगता है कि जब तक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन नहीं होगा ड्रिंकिंग वाटर सेक्टर में, तब तक स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स कर पाना बहुत मुश्किल होगा किसी भी गवर्निंग बॉडी के लेवल पर। वो किसी भी लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल सेल गवर्नमेंट से लेकर नेशनल गवर्नमेंट तक। लेकिन तो उस केस में काफी कुछ यूजर्स के ऊपर आ जाता है कि वो दे आर देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एज इज हैपनिंग विद द प्रमोशन ऑफ हाउस होल्ड फिल्टर बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज एज ऑफ नाउ इन द कंट्री। सो आई वुड से दैट आप अगर हम सिर्फ इसी स्टैंडर्ड्स की बात करें जो अभी जिससे आपने चर्चा शुरू की थी, तो इसमें जो ये जो आपके आधार है कि आपने किस आधार पे इनको तय किया है, जैसे रमन ने क्वेश्चन उठाया था टीडीएस वाला या फ्लोराइड वाला इशू है, आप फ्लोराइड पे बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, कुछ फ्लोराइड की मात्रा हमको चाहिए होती है पानी में और कुछ से अधिक जब हो जाता है तो वो नुकसानदेह होती है, ये हम सभी को पता है। मिनिमम वाला जो क्राइटेरिया है वो नहीं है, यानी अभी रखा है कि हम फ्लोराइड नहीं होगा तो पानी सेफ है। लेकिन अगर आप हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखिए तो कुछ फ्लोराइड हमें चाहिए होता है। तो ये जो इश्यूज हैं जो मिनिमम वाले इश्यूज हैं, और अगर हमें चाहिए और अगर नहीं है और कोई भी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एजेंसी उतना फ्लोराइड अगर आपके रॉ वाटर में नहीं है तो वो लाती है मिक्सिंग करती है, तो उन सबके कॉस्ट इम्प्लीकेशंस हैं बिफोर डिलीवरी। तो मुझे लगता है कि ये चीजों पे आपको कमेटी को सम्यक विचार करके और फिर निर्णय लेना चाहिए कि इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स आप सेट कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं उनका आधार बहुत ठोस होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेबल और डुएबल होना चाहिए, जो भी हमारे स्थानीय स्तर पर रिसोर्सेज हैं या लैब्स की क्षमता है या हमारे केमिस्ट लोग हैं जो एक्चुअली उसमें मदद करते हैं चेक करने में, इन सब के भीतर में मेरा बस इतना सा सुझाव है। धन्यवाद। बिल्कुल पुनीत जी, थैंक यू वेरी मच। और जैसे अब मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ जो पॉइंट्स आपने रखे, और मेरे मन में जो कई चीजें हैं जो आप लोग सभी लोगों ने यहाँ पर कहा भी हैं, और सबसे ज्यादा मैं मुझे लगा कि मेरी ये जिम्मेदारी और कोशिश रहेगी कि इस प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, यानी कि ये जो कमेटी है इसके साथ एक लिंकेज रखना बाहर की दुनिया के साथ और इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना। और मुझे लगता है कि ये जो स्टैंडर्ड्स और अभी कल जाकर पूरे वाटर मैनेजमेंट के अगर स्टैंडर्ड्स बनेंगे तो इसमें बहुत वाइडर पार्टिसिपेशन की जरूरत है और ट्रांसपेरेंसी की भी जरूरत है कि कैसे ये चीज ये निर्णय कैसे लिया गया और उसके पीछे क्या है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज का जो ये मीटिंग है, मुझे ये लगा कि इस पहले कल के मीटिंग के पहले हम सभी इनपुट्स लेके सामने रखें, मगर कोशिश यही रहेगी कि इसके आगे और इस तरीके के हम मिलें ताकि हमारे जो ये जो कम्युनिकेशन चैनल है वो एस्टेब्लिश हो, है ना, कि ये इस डिसीजन मेकिंग के साथ। थैंक यू पुनीत जी। आगे लास्ट कमेंट्स कोई रखना चाहते हैं? मैं बोलूं सुंदर जी? यस, आपकी आवाज अभी बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे रही है अनिल जी, प्लीज जी। तो एक तो मेरा दो कहना है, दो चीजें हैं इसमें, शायद कई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।
कि ये बात सही है पुनीत जी ने जो कहा कि स्टैंडर्ड तो हम वेस्टर्न कंट्रीज से लेते हैं और अपने यहाँ भी जो हेल्थ है और खासकर जो डिस्चार्ज, खासकर हम ये मानते हैं ना कि कितना हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं उसके बेसिस पे बनाए जाते हैं। अगर हम फ्लोराइड को ही लें, फ्लोराइड में उड़ीसा और सोनभद्र दो जगह पे अगर तुलना करें हम, तो उड़ीसा में 1.2 से हमको डेंटल फ्लोरोसिस दिखा, जबकि अगर वहीं पर हम सोनभद्र की ले लें तो लगभग वो 1.6 या 1.7 के बाद डेंटल फ्लोरोसिस केसेस देखने को मिलते हैं। एक तो ये है कि कई जगहों पे न्यूट्रिशन का भी काफी इम्पैक्ट होता है, तो उस तरह से हम जो स्टैंडर्ड बनाते हैं वो तो पूरा एक देश के लिए एक बराबर बनाते हैं। अब सोनभद्र की अगर कहानी ले लें, वहां पर हवा में भी फ्लोराइड है, वहां पर जो वेजिटेशन उगाते हैं, जो वेजिटेबल्स उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, उसमें भी फ्लोराइड है और पानी में भी फ्लोराइड है, लेकिन स्टैंडर्ड वो सब जगह के लिए समान है। तो एक तो ये है कि इस तरह की जो स्टैंडर्ड है, अब मरकरी को ही ले, मरकरी में अभी अभी वाटर के लिए तो पहले से ही था कि 1 माइक्रोग्राम पर लीटर होना चाहिए। एयर का अभी एक नया स्टैंडर्ड बना है, लेकिन क्या वो स्टैंडर्ड पूरे देश के लिए लागू होनी चाहिए? जहां हवा में भी मरकरी है, जहां पानी में भी मरकरी है, जहां सॉयल में भी मरकरी है, वहीं वहां के लिए भी वही स्टैंडर्ड, और दूसरा सामान जहां पर पानी के लिए या कोई मरकरी का और भी कोई सोर्सेस नहीं है, ना एयर में ना उसमें अलग एनवायरमेंट में, वहां भी मरकरी है और उसके लिए वही। तो ये जो टॉक्सिकोलॉजिकल खासकर टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, इनके स्टैंडर्ड को रिविजिट करने की बहुत ही आवश्यकता है कि कहाँ के लिए, और वो चाहे जोन वाइज बांटने की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल बेल्ट में बांटने की बात हो, वो एक बार विजिट करने की बात है। दूसरी चीज अगर हम डिस्चार्ज का ले लें, डिस्चार्ज में हम देखें तो जो सामान्यतः हमारे ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्टैंडर्ड होते हैं उसका लगभग 10 गुना हम इफ्लुएंट डिस्चार्ज में, या उल्टा भी उसका कह सकते हैं कि 10 गुना अगर इफ्लुएंट डिस्चार्ज के हमारे स्टैंडर्ड है उसका एक मतलब 100 by 10 हमारा इसके लिए 1 by 10। तो अब माने कि अगर मरकरी का इफ्लुएंट का जो इफ्लुएंट डिस्चार्ज का हमारा नॉर्म है वो ये है कि 10 microgram per liter तक हम इफ्लुएंट में डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वही ड्रिंकिंग वाटर के लिए है कि 1 microgram per liter हमें चाहिए। और ये जो स्टैंडर्ड बने भी थे इफ्लुएंट डिस्चार्ज के, वो 10 times डायलूशन पर आधारित थे। आज हमारे देश में क्या फ्रेश वाटर बॉडीज इस तरह की उपलब्ध हैं जिनमें 10 times डायलूशन हो सके? और अगर वो 10 times डायलूशन नहीं होता है तो निश्चित है वही पानी तो ग्राउंड वाटर से जाता है, वही फिर चीजें हम लोग पीते हैं। तो इसको भी ढंग से रिविजिट करने की जरूरत है, और ये अब कुछ ना कुछ हमको एरिया स्पेसिफिक भी आना पड़ेगा, और तीसरा जो कंसिडरेशन इसमें हेल्थ का, और चौथा ये जब तक डिस्चार्ज के हम स्टैंडर्ड अपने सही ढंग से लागू नहीं करते हैं, उनको नहीं बनाते हैं, तब तक हमको ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड को मीट करना काफी कठिन होगा। तो ये मेरा इतना कहना था। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, और बहुत यू नो मेरे काफी थॉट्स के साथ ही है मिलता है। और जैसे रामन जी ने भी कहा कि ये जो स्टैंडर्ड्स जो शब्द हैं, है ना, कि इसके आगे एक डिफरेंशिएटेड स्टैंडर्ड्स, यानी कि है ना कि एक स्पेसिफिक है ना चीजें जो लोकली ये बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स है ना, और इसके आगे हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि छोटे बच्चों को ये सब टॉक्सिक चीजें और ज्यादा हानिकारक है ना, क्योंकि ये 50 किलोग्राम के बॉडी वेट में ये सब स्टैंडर्ड्स बनाया जाता है हेल्दी एडल्ट के लिए। तो कई सारे जो अगर किडनी अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर स्टैंडर्ड्स अलग होने, तो एंड सो ऑन, मतलब कि ये देखा जाए तो इस चीज में आगे बहुत ही आगे यू नो डिफरेंशिएशन में अगर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक चीजें हों तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है अनिल जी, और ये बिल्कुल है ना कि मेरे इसमें ही है कि ये चीज सामने रखना ही पड़ेगा। जैसे हेल्थ फैक्टर्स हैं, कई इश्यूज हैं, सोनभद्र का जो आपने कहा कि जहाँ पर हर मीडियम में है, हवा में भी है, जो लोग नहीं कर रहे हैं, कई देखेंगे कई जगहों में देखेंगे तो मिट्टी में भी है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज पॉलिसी में आना है। अदरवाइज एक ही चीज पूरे देश के लिए बात करते हैं तो ये खो देता है वो चीज कि कई कई पॉकेट्स में रिस्क जोन्स में आपकी जो सीरियसनेस है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच अनिल जी। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट यू नो वी आर एट क्लोज टू 120 एंड हम लोग ये कोशिश करेंगे कि यू नो वी विल कम टू द लास्ट 10 मिनट्स। तो जैसे हम लोग जानबूझ के इसको शॉर्ट इसलिए रखे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग बार बार मिल सकते हैं, यानी कि 2-3 घंटे के ये सेशंस रखने के बजाय हमने सोचा कि इसको शॉर्ट रखते हैं, लोग अपने अपने काम के बीच में अटेंड कर सकते हैं। और मेरे ये रिक्वेस्ट है आप सबके लिए कि आपने जो पॉइंट्स कहा है आज, आपको बस सिंपल तरीके से एक
आई मीन बुलेट पॉइंट्स में ही अगर आप इसको लिख देंगे ईमेल में कि व्हाट्सएप में कि कोई भी जरिए से आप पहुंचा दीजिए आज शाम तक कोई भी जरिए से, और ऐसा नहीं कि लंबा लंबा लिखना है, कोई भी पॉइंट वाइज भी आप लिख दीजिए, हम लोग इस कॉल से भी नोट डाउन कर रहे हैं, मगर आप अगर भेजेंगे तो ये इसका एक भार पड़ेगा क्योंकि देन हम ऐसे मेनी डिफरेंट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस इसको इसका एक एफर्ट इसका एक जो मीनिंग है और बढ़ जाता है ना। तो मुझे जो आज और कोई इनफैक्ट अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड कीजिए, नहीं तो मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा। यस प्लीज। सुंदर अरविंद हियर फ्रॉम सीएससी। यस अरविंद जी प्लीज बोलिए। सुंदर मैंने सारी बात जो भी हमारे गेस्ट थे उन्होंने बात सुनी, मैंने क्लोराइड पे बात हुई, आर्सेनिक पे बात हुई है और टीडीएस की बात हुई, लेकिन टीडीएस में मैं आपको पता है सीएसपीसी कोस्टल एरिया में काम करता है और सीएसपीसी में बहुत सारे हमने वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग मीन्स गवर्नमेंट लैब के साथ टेस्टिंग करवा के मोर देन 400 विलेजेस में वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन इसमें जस्ट उसका एनालिसिस जब मैंने किया, ओनली मैं टीडीएस की बात करूंगा तो टीडीएस इन विद इन गुजरात विद इन कोस्टल एरिया हर जगह परमिसेबल लिमिट तो हमारे हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड बोले हमका बीआईएस बोले तो 500 ही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कहीं पे 1500 कर दिया है, कहीं पे 2000 कर दिया है, तो ये हमको हम जब भी हम कभी भी बात करते हैं हमारे नॉन टेक्निकल पर्सन या कोई भी हमारे सोशल पर्सन फील्ड में काम करते हैं लोगों से बात करते हैं कि आपको टीडीएस 500 से कम पीना है, लेकिन गवर्नमेंट है वो अपनी रिपोर्ट में बोल रहा है कि आपको 1500 तक का पानी इट्स अ पोटेबल वाटर, तो ये वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हाउ टू मैनेज कम्युनिटी और बोलना, क्योंकि हम भी सोच रहे थे 1500 का पानी आप बोल रहे थे पोर्टेबल, कहीं पे बोल रहे 2000 तक, आई हैव ए रिपोर्ट, रिपोर्ट में लिखा है कि बिलो 2000 है वो पोर्टेबल है, उन्होंने उसको नहीं बोला है कि पोर्टेबल नहीं है, तो ये जब आप ये बीआईएस स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट आना ही चाहिए कि हमको उस एरिया में वाटर पोर्टेबल नहीं है वो डिक्लेयर करके पोर्टेबल वाटर को किसी भी तरह पहुंचाना है, ना कि हमको टीडीएस लेवल बढ़ाते जाना है आप पीछे जाओ हम वहां पे बिलो अरे 500 टीडीएस का या 1000 टीडीएस बिलो 1000 का टीडीएस सप्लाई नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं नर्मदा का पानी भेजेंगे ये पानी रीजनल वाटर, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट लैब में आई हैव ए ऑल रिपोर्ट, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको मेल पे सेपरेटली भेजूंगा, लेकिन डेफिनेटली ये पॉइंट कहीं ना कहीं रखना चाहिए कि हमको क्योंकि टीडीएस इज द मेजर इश्यू इन ऑल कोस्टल ट्राइबल कोस्टल टेल एंड विलेजेस में, और लोग अभी भी छोटे छोटे आरओ लगाते हैं लेकिन आप उसमें भी 2000 टीडीएस वाटर ट्रीट करते हैं तो इतने आरओ चलते नहीं और वेरी एक्सपेंसिव रह जाते, और जो हम वेरी हमारे मार्जिनल फार्मर मार्जिनल लेबर्स जब लोग रहते उनके पास तो कोई फैसिलिटी नहीं है अलावा कि यही पानी पिए, तो ये एक वेरी क्रिटिकल इश्यू रहेगा, तो आई थिंक ये अब कहीं ना कहीं आपको पॉइंट पुट आउट करना है, ये मेरा जस्ट एक पॉइंट है और रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच और ऑल्सो कि सीएसपीसी को यहाँ पर देखते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, ऑल्सो फॉर रिप्रेजेंटेशन है ना कि आज हम लोग इस कॉल में देखेंगे तो कई सारे जो वाटर क्वालिटी के इश्यूज हैं फ्लोराइड है आर्सेनिक है जैसे कि ये जो सैलिनिटी का इश्यू है और देन अलग अलग रीजन्स के जो इश्यूज हैं हिल्स के इश्यूज हैं जो पेनिनसुलर इंडिया के इश्यूज हैं ये सभी इश्यूज अलग है ना, और हमने जो आज बातें की एक तो बेसिक स्टैंडर्ड्स के बारे में कई सारे जो सुझाव आए हैं कि स्टैंडर्ड्स जो बाहर होते हैं हमारे देश में क्या वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, देश में भी अलग अलग जगहों पे जहाँ पर रिस्क जोन्स ज्यादा हैं है ना वहाँ पर क्या चीज होना चाहिए, तो डिफरेंशिएटेड स्टैंडर्ड्स है ना, तो वो ये पूरा पॉलिसी शिफ्ट हो सकता है ना कि हमको शायद एज अ ग्रुप हमको इसके बारे में थोड़ा सोच और लगाना पड़ेगा क्योंकि ये आसान नहीं है ना, कोई भी चीज का डिफरेंशिएटेड स्टैंडर्ड्स अगर प्रपोज किया जाता है ये कोई आसान बात नहीं है, तो इसमें थोड़ा हमको और सोचना जरूरी है कि कोई एक फिक्स नंबर हो यानी कि 1.5 है मगर क्या कोई पर्टिकुलर जोन एंड मोर वल्नरेबल प्लेस के लिए कि इसको क्या 2 होना चाहिए
क्या इसको 0.5 होना चाहिए एंड सो ऑन, यू नो, टू नहीं, यानी कि एक बेसिक स्टैंडर्ड है जिसके नीचे आप करते जाए ना अलग अलग जगहों में देश में, वो लोकल अथॉरिटी के अगर अगर ये मिले अंडर अ सर्टेन प्रोसेस, यू नो, दे कैन रिड्यूस इट, वी हैव टू थिंक अबाउट इट. दिस इज डिफरेंशिएटेड स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन हेल्थ अदर फैक्टर्स, जो एक पूरा पॉइंट हुआ. दूसरे पूरे पॉइंट काफी सारे हुए ट्रीटमेंट के ऊपर, यानी कि जो आर ओ हम सबके ऊपर आई थिंक मन में एक बहुत बड़ा सा एक इश्यू है ना बैठा हुआ है. आई थिंक कई लोगों ने इसके वेस्ट वाटर के इश्यू का भी उठाया है ना, फिर से वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ जुड़ा हुआ है. और बाद में जो अनरेगुलेटेड जो आर ओ की एक इम्प्लीमेंटेशन नहीं मगर इंडस्ट्री ही बोल सकते हैं, जो जहाँ पर जरूरत नहीं है वहां पर लगता है, जहाँ पर जरूरत है वहां पर नहीं लगता है, उस तरीके का जो मिसमैच है. मगर वो आर ओ ही नहीं मगर ओवरऑल जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, कम्युनिटी ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो लगे जाते हैं, उनकी जो कि जो रिप्रेजेंटेटिवनेस जहाँ पर जो लगा है कि ठीक है कि नहीं, है ना, वो एक बहुत बड़ा इश्यू है कि किस डेटा के ऊपर लगा है और वो ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्या कोई स्टैंडर्ड्स हैं क्या, है ना. तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्टैंडर्ड्स, कि ट्रीटमेंट प्लांट्स के ऊपर हमारे देश में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है कि रॉ वाटर इतना है तो आउटपुट वाटर का इतना होना चाहिए. इस तरीके का कोई ना डोमेस्टिक फिल्टर्स की ना कम्युनिटी फिल्टर्स के ऊपर कोई फाइनल इन्फोर्सेबल स्टैंडर्ड्स अभी तक निकला नहीं है. उसके बाद अगर इन्फोर्सेबिलिटी देखें, जो इश्यूज कई लोगों ने लेकर आए, कि इन्फोर्सेबिलिटी पूरा एक बहुत बड़ा डोमेन है, यानी कि जो लोकल अथॉरिटी दिया लिखा जाता है वो लोकल अथॉरिटी है क्या, है ना. फाइनली स्टेट के ऊपर है जैसे यहाँ पर पुनीत जी ने लिखा, मगर ये लोकल अथॉरिटी है कौन, किसको इसको इम्प्लीमेंट करना है और ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि जब ग्रीन ट्रिब्यूनल से लिखा जाता है ना, उसके बावजूद है ना लोकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, तो मतलब लोकल अथॉरिटी है कौन, है ना. तो इसको स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मतलब कि कोई मीनिंग नहीं रहता है ना सिर्फ स्टैंडर्ड्स के ऊपर, जब तक आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते. तो यहाँ पर जो इनपुट्स आए हैं हमारे पास, लास्ट 5 मिनट्स हैं और मुझे और एक चीज आपके साथ लेकर मैं आगे रखना चाहता हूँ. ये सभी हम लोग इनपुट करेंगे एंड वी विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, एंड व्हाट वी शेयर विद यू विल बी शेयर्ड, यू नो, टुमारो आल्सो टू द कमिटी. द लास्ट पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग हियर इज दैट आई एम वेरी ग्लैड, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर होंगे. हमने इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्रमोट भी नहीं किया था आज के वेबिनार के लिए, मगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर वाटर एड के कई सारे साथी हैं, यहाँ पर CMF है जो टाटा ट्रस्ट के साथ, टाटा वाटर मिशन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अगेन CSPC है जो टाटा ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, अफिलियटेड यू नो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेलिनिटी के ऊपर पूरे गुजरात में एंड देन पूरे भारत में भी वो काम करना चाहते हैं सेलिनिटी के इश्यू पर. यहाँ पर साकी वाटर्स हैं जो आर्सेनिक के इश्यू पर काम करता है और आर्सेनिक नेटवर्क को कोऑर्डिनेट करता है. यहाँ पर पीपल साइंस इंस्टीट्यूट है जो भारत का सबसे पुराना NGO है जो वाटर क्वालिटी इश्यूज पे काम करता है, और लैब्स उनके खुद के हैं जो पीपल टू साइंस टू पीपल, है ना, जो साइंस लैब्स के जरिए उन्होंने जो किया, अनिल जी हैं जो काफी माने जाते हैं इस इश्यू पे. तो मैं कई लोगों को यहाँ पर बोले नहीं मुरा है मुझे, जैसे अनिल सिंदूर है, पुनीत जी है जो कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है जल चौपाल के साथ, कई लोग हैं यहाँ पर, है ना, जो वाटर क्वालिटी इश्यूज में काफी काम किए हैं. तो मेरा अनुरोध ये है कि ये जो स्टैंडर्ड्स के जरिए हम लोग आज मिले हैं, आई थिंक हमको आगे भी सोचना चाहिए इसी ग्रुप को. हमें से कई सभी ऑर्गेनाइजेशंस जल जीवन मिशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, और जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर ऑफ जल जीवन मिशन, यानी कि पहले एक साल जिसमें वाटर क्वालिटी का काफी बड़ा एक प्रायोरिटी है, फोकस है और आगे भी रहेगा, तो शायद हम लोग आगे का एक डिस्कशन उसके ऊपर रख सकते हैं, है ना, वाटर क्वालिटी के ऊपर. और ये कल की जो कमेटी है उसमें हम इसको सामने रखेंगे आज की जो इनपुट्स को, और जो वाइडर जो मैं आपको कह रहा हूँ हैंडबुक, है ना, कि जो अगर मुझे हो सके तो मैं वेरी क्विकली आपके साथ इसको शेयर करता हूँ कि जो जो ये जो हैंडबुक की जो चैप्टर्स हैं, आई थिंक समय भी कम है, बट बेसिकली ये जो हैंडबुक जो बनाया जाएगा वो ये सारे इश्यूज के लिए ना बनाया जा रहा है, यानी कि ये सिर्फ यू नो वाटर क्वालिटी के लिए नहीं, ये ना कि ये सभी जो इश्यूज हैं यू नो वाटर के रिलेटेड, उन सभी पे ये बनाया जा रहा है. मैं वेरी क्विकली आपको ये बता देता हूँ, ये है जो ये जो कमेटी है उसके अंदर का जो जो चैप्टर्स हैं, ये तो हाइड्रोमेट्री यानी कि वाटर मेजरमेंट, उसके बाद आता है चैप्टर 3 जो मैंने कहा वाटर क्वालिटी, जिसके ऊपर हम लोग आज बात कर रहे हैं, मगर उसमें भी और भी अलाइड कई सारे इश्यूज हैं, इंडस्ट्रियल एंड मेनी अदर थिंग्स. आई कैन शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू.
उसके बाद वाटर कलेक्शन सिस्टम्स यानी कि जैन रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर डैम से लेकर बहुत सारा चीज इसके अंदर आ जाता है, कैनाल्स, तो वो सब इसके परव्यू में है. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स जैसे कि पाइप्स एंड सो ऑन एंड सो मेनी अदर थिंग्स. देन वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स, हम लोगों ने आज बात की है, आरओ एंड मेनी अदर थिंग्स, है ना, वो भी इसके अंदर है. अर्बन वाटर सप्लाई, रूरल वाटर सप्लाई. तो ये जो सुवरेज सिस्टम्स, ये जो मैंडेट है इस कमेटी का वो काफी ब्रॉड है. और इसके अंदर आप देखेंगे तो ग्राउंड वाटर खुद में भी एक चैप्टर है एंड सो ऑन, कंजर्वेशन, ऑगमेंटेशन एंड इरिगेशन एंड सो ऑन. तो मैं जैसे मैंने पहले भी पुनीत जी के जो क्वेश्चन के साथ मैंने जो कहा कि मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी, मेरा ये काम रहेगा इस कमेटी के ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, और मैं इसको बढ़ाऊंगा और इस जरिए हम लोग आपके पास तक आप तक पहुंचते जाएंगे और ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, जो भी मीडियम्स के अंदर से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं और इसको एक कम्युनिकेशन चैनल को एस्टेब्लिश करते हुए आगे जाते हैं. क्योंकि स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरे देश के कोई इश्यू का एक मूल है. यानी कि कोई भी आप चीज देखेंगे, अगर हेल्थ सेक्टर देखेंगे, एजुकेशन सेक्टर देखेंगे, वाटर सेक्टर देखेंगे, तो जो जो पूरा मूल है, जो बेसिक है जो कोई भी सेक्टर का, वो है उसका स्टैंडर्ड्स. उसके बाद आता है उसका इन्फोर्सिबिलिटी और रियली ग्राउंड में उसका कुछ इम्प्लीमेंट होना. तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं शायद अगले 10 साल तक, 15 साल तक कोई उसको दोबारा देखे नहीं. तो आज के दिन पे जब इसको देखा जा रहा है और कई और इश्यूज के लिए भी इसके ऊपर रिव्यू किया जा रहा है, तो हमारा एक दायित्व बन जाता है हम इसमें पार्टिसिपेट करें. अगर आपके संस्थाओं में नहीं तो आप और भी लोगों को जानते हैं जो रिसर्चर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं और वो कंसर्न हैं जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज आप जुड़िए. मेरी ये कोशिश रहेगी कि ज्यादातर लोगों को इसके अंदर जुड़ना और हम सब मिलकर BIS के साथ काम करें और BIS को और भी इफेक्टिव बनाएं. और वो खुद चाहते हैं कि जब वो मिलकर बाहर आए हैं और लोगों को पार्टिसिपेट करके इंक्लूसिव प्रोसेस बनाना चाहते हैं, तो हम भी उसको बनाएं, है ना, कि हम भी उसको उसके साथ जुड़ें. और जो आज के जो इश्यूज हैं, मुझे लगता है कि करीब 4-5 बकेट्स में मैं इसको देख रहा हूँ जैसा मैंने कहा, तो उनको हम समराइज करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे और देन आप इसके ऊपर फीडबैक दीजिए और कल की मीटिंग के बाद जो मिनट आएगा वो भी मैं शेयर करूंगा ना लोगों के साथ. तो इसी के साथ थैंक यू टू एवरीबॉडी. सॉरी अगर किसी को मौका नहीं मिला अपने पॉइंट्स रखने के लिए, तो आप प्लीज जैसा किरण ने यहाँ पर कमेंट्स में लिखा है ईमेल, तो आप उस ईमेल में हमको जरूर लिखिए, हम इंटरेक्ट करेंगे, नहीं तो इस कॉल के बाद भी हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं. एंड देन लेट अस वर्क टुगेदर ऑन दिस इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी इश्यू. और इसी तरीके और भी वेबिनार्स हम लोग शॉर्ट वेबिनार्स कंडक्ट करेंगे, 1-1 घंटे के, 1.5 घंटे के, जिसमें हम लोग फोकस इश्यूज के ऊपर काम कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच टू यूरोपियन यूनियन फॉर हेल्पिंग अस ऑर्गेनाइज दिस वेबिनार. थैंक यू.